उमर शरीफ ने अपनी पहली गाड़ी कौन सी ली, उनके पास कितनी गाड़ियाँ थी, उन्होंने पहली गाड़ी मुझे कौन सी गिफ्ट की और हमने आखिरी गाड़ी कौन सी ली। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि उमर शरीफ साहब ने पहली गाड़ी कौन सी ली। सुजुकी कस्टम उमर की पहली गाड़ी। वैसे तो मुझे पता है कि उमर ने कौन कौन सी गाड़ियाँ ली हैं और वो सब मैंने जो बुक लिखी है उसमें सब लिख भी ली हैं, लेकिन मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए डेट के साथ उमर के जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है नईम अपाची भाई, उनसे भी पूछा है और वो डेट के साथ बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ उन्होंने ली। 74 की कोरोला, फिर उसने वो बेच के ली थी शेराड, 85-86 मॉडल की शेराड ब्लैक कलर की, 86 ही कोरोला ली थी और डबल ई 80। फिर उसके बाद तो उसने एक सिविक ली थी। ये गाड़ियाँ उमर ने कराची में ली थी, उसके अलावा लाहौर में उमर के पास इंडस कोरोला थी, 86 कोरोला थी और होंडा पोर्टेबल रेड कलर में जिसका रूफ ऊपर से उड़ जाता है, तो वो उमर की बहुत फेवरेट थी। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि इसके सन में उमर ने 5 गाड़ियाँ जो शुरू में ख़रीदी। बाकी जो है, उमर ने जो पहली गाड़ी ख़रीदी ना, उसका भी एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वाक़या तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी आपको सुना देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब उमर ने गाड़ी ली, लेकिन एक ज़माना था उमर के पास कोई गाड़ी नहीं थी। गाड़ी तो क्या, उमर के पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, उमर बस में सफ़र करते थे, उमर पैदल ट्रैवल करते थे। तो हुआ यूँ कि उमर का जो ड्रामा था बहरूपिया मोइन अख्तर, जो उमर ने ही लिखा था और उसमें उमर एक रोल कर रहे थे, तो वो बहुत पॉपुलर हो गया और उसमें जो है उमर के उसी ड्रामे से एक्चुअली उमर जो है पॉपुलर हुए और लोग आके पूछा करते थे कि इस ड्रामे में कव्वाल है। तो हुआ यूँ कि जो और टीम के मेंबर थे, कुछ सीनियर आर्टिस्ट थे, वो थोड़े से जालिस हो गए। आपको पता है कि हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उनसे आगे कोई निकल जाए, तो उन सब ने एक मीटिंग की। उसके बाद वो मुइन अख्तर साहब के पास गए और उन्होंने मुइन साहब से कहा कि भाई ये उमर शरीफ की जो है ना एंट्री बहुत बड़ी है, ऊपर से इसको वंस मोर आती है, क्लैप इतनी देर तक होती रहती है, तो उससे ड्रामा बहुत लेंथी हो रहा, तो आप इसको बोलें कि अपनी एक दो एंट्री इसमें से कट करें। मुइन साहब ने पहले तो उन्हें मना किया, फिर जाहिर है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं उमर शरीफ से बात करके देखता हूँ। तो मुइन साहब उस टाइम अपनी गाड़ी में सैयद फुरकान हैदर को, उमर शरीफ को और एक दो और आर्टिस्टों को साथ लेके जाते थे और ड्रामा ख़त्म होने के बाद वो उनको घर ड्रॉप करते हुए अपने घर जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं उमर से रास्ते में बात करूँगा, तो उन्होंने रास्ते में उमर से जो है कहा कि भाई इस तरह से तमाम आर्टिस्ट कह रहे हैं, तो उमर तुम अपनी जो है ना कोई एक दो एंट्री जो है ना काट लो। तो उमर हो गुस्से में आ गए, क्योंकि ड्रामा भी उन्होंने लिखा हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों अपनी एंट्री काटूं, जो एंट्री हिट है, जिसकी वजह से ड्रामा हिट हुआ है, सुपर डुपर हिट हुआ है, तो ये आप उन सीनियर आर्टिस्टों की एंट्री काटें जिनके ना कोई क्लैप आती है ना कोई लाफ्टर आता है। तो मुइन साहब ने जब देखा कि उमर इतना गुस्सा आ रहा है, तो मुइन साहब को भी थोड़ा सा उमर पे गुस्सा हो गया और नाराज़ हो गया, उन्होंने मुइन साहब ने उमर को अपनी गाड़ी से उतार दिया। अच्छा, जब उमर को अपनी गाड़ी से उतारा और वो तेज़ी से गाड़ी लेके चले गए, उस टाइम क्या हो रहा था कि उस टाइम कराची में बारिश हो रही थी, वो एक फिल्मी सिचुएशन नहीं होती, तेज़ बारिश हो रही है, रात का वक्त है, मुइन साहब उमर को गाड़ी से उतार के चले गए। उमर रोड पे खड़े, उमर रोने लग गए और उमर ने रो रो के अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे हर हाल में कल तक गाड़ी चाहिए। ये कह के उमर रोते हुए अपने घर लालू खेत चले गए और जाके सो गए। अच्छा, उधर थोड़ी देर के बाद मुइन साहब वापस आए हैं, देखा लेकिन वो उमर नहीं थे, फिर वो ज़ाहिर चले गए। अच्छा, जब वो घर जाके सो गए तो क्या हुआ कि सुबह के टाइम एक डायरेक्टर है उस्मान मेमन, तो वो उमर के घर आते हैं, उमर की अम्मी जाके उमर को उठाती हैं और कहती हैं तुमसे कोई उस्मान मेमन मिलने आया है। तो उमर आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेके एक सोलो ड्रामा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ ड्रामा करोगे? सोचते हैं, फिर उमर कहते हैं कि भाई मुझसे जितने चाहे आप ड्रामे करा लें, मगर मेरी एक शर्त है, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उस्मान मेमन कहते हैं हाँ बिल्कुल, चलो अभी लेते हैं गाड़ी। ये कह के उस्मान मेमन उमर को अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा, उमर के एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उनका नाम है बहरो सब्जवारी, उनका शोरूम होता है गाड़ियों का।
तो उमर और उस्मान मेमन उनके शोरूम पे जाते हैं और उमर बहरो सब्जवारी से कहते हैं मुझे गाड़ी लेनी है, तो फिर वो उनको गाड़ी दिखाते हैं, वही जो सुजुकी कस्टम। और फिर उसके बाद बहरो सब्जवारी उनको गाड़ी की चाबी देते हैं और उमर को कहते हैं जाओ गाड़ी लेके जाओ। तो उमर कहते हैं गाड़ी लेके कैसे जाऊँ, मुझे तो चलानी नहीं आती। तो बहरो सब्जवारी कहते हैं लो जी गाड़ी खरीदने आ गए और चलानी नहीं आती। फिर बहरो सब्जवारी ही उमर को गाड़ी के बारे में सब कुछ बताते हैं, एक राउंड लगाते हैं घेर वगैरह के बारे में बताते हैं। फिर दो राउंड उमर उनके साथ वहीं उनके शोरूम के पास लगाते हैं और जब उमर को लगता है कि हाँ मैं अब चला लूँगा, तो उमर फर्स्ट घेर में गाड़ी चला के लालू खेत अपने घर आते हैं और फिर अम्मी को अपनी उस गाड़ी में बिठाते हैं। वो बहुत खुश होती हैं। उसके बाद फिर रात में जब उमर ड्रामे में जाते हैं तो मोइन साहब गले लगा लेते हैं, मिठाई मंगाते हैं और सब आर्टिस्ट फिर उमर को बहुत सारी दुआएं देते हैं। और फिर उमर भी अपनी गाड़ी में कई आर्टिस्टों को ड्रॉप करने जाते थे। फिर उमर ने 2005 में जो है गाड़ी ली सिग्नस, वो उमर को बहुत पसंद थी तो उमर ने सिग्नस ली। और मगर ये कि वो 8-10 महीने उमर ने अपने पास रखी और चलाई हमने, मगर ये कि उसका आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर उमर ने वो गाड़ी सेल करके ये जो आगे प्राडो खड़ी है ब्लू कलर की, फिर उमर ने ये खरीदी। अब प्राडो उमर को बहुत ज़्यादा सूट करती थी, वो प्राडो जो थी ना वो बहुत उमर की खूबसूरत थी और वो इतनी मशहूर भी हो गई थी क्योंकि उमर की एक आदत थी कि जहाँ ट्रैफिक जाम देखा, जहाँ कोई गलत नो पार्किंग में आ रहा तो उमर साहब गाड़ी से उतर जाते थे और ट्रैफिक जो है ना जो बंद हुआ होता था सब उसको खुलवाते थे और सबको इधर से निकलो उधर से निकलो, उमर की पूरी इंस्ट्रक्शन चल रही होती थी और लोग ये कि उमर की बात मानते थे। और उसके बाद जब रोड क्लियर हो जाता था तो पब्लिक क्लैप भी करती थी उमर के लिए। मगर उसकी वजह से क्या हुआ कि उमर की प्राडो जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, हर किसी को उमर की प्राडो के बारे में पता था। और एक बार क्या हुआ, उमर की प्राडो के पीछे कोई गाड़ी लग गई। अच्छा, उमर ये कि बहुत अलर्ट गाड़ी में बैठते थे, मतलब उमर की नज़र होती थी पीछे। तो खैर जब वो लग गई गाड़ी तो उमर ने क्या करा, गुलिस्तान झौर में मुझे याद है बीच रोड पे उमर ने गाड़ी रोक दी और उमर गाड़ी से उतर गए। अच्छा, उमर को देख के पब्लिक जमा हो गई, उन्होंने कहा कि क्या हुआ उमर भाई, क्या हुआ, आप क्यों ऐसे खड़े। तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है। तो वो सब उमर के आगे आप यकीन जाने ऐसे लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा उमर भाई आप आराम से गाड़ी में बैठे हम देख लेंगे। तो खैर वो गाड़ी ने जब देखा कि इतने लोग जमा हैं और वो समझ गए और वो गाड़ी वापस चली गई। ये है वो गाड़ी जो उमर ने मुझे फर्स्ट टाइम गिफ्ट की। जी हाँ, 2006 18 मार्च को उमर साहब मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेके आए और वो थी ये सिटी 2006 की और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। अच्छा, हर साल जब भी कोई नया मॉडल आता तो मैं सोचती कि मैं ये इसे गाड़ी को सेल करके और मैं दूसरी नए मॉडल की गाड़ी ले लूँ। मगर फिर एक वो होता कि ये पहली गाड़ी है जो उमर ने मुझे गिफ्ट की है, तो फिर मैं कहती नहीं नहीं अगले साल देखेंगे, अभी एक साल और रखती हूँ। और ये करते करते आप यकीन जाने 16 साल हो गए मगर मैं अपनी इस पहली गाड़ी को कभी सेल नहीं कर सकी जो उमर ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये बहुत मेरे लिए स्पेशल कार है और ज़्यादातर मैं ट्रैवल इसी पे करती हूँ। अच्छा, फिर उमर ने जो मुझे गाड़ी गिफ्ट की वो 2013 में सिविक ब्लैक कलर की ट्राइबॉन, वो पता उस वो भी उमर ने सरप्राइज़ दिया क्योंकि उमर हमेशा सरप्राइज़ देते थे। वो उमर मेरी बर्थडे से पहली गाड़ी उमर ने ख़रीदी थी और उसके बाद उमर ने ना ऑफिस में रखी। ये मेरी सिविक है और उमर मेरी बर्थडे वाले दिन इस तरह से इस पे रिबन लगा के लाए और मुझे गिफ्ट की। उसके बाद फिर उमर की फैमिली लाहौर से कराची आई कुछ, तो उमर की बेटी को बहुत पसंद आई वो गाड़ी, तो उमर से उसने कहा कि अब्बू हमें भी ऐसी गाड़ी लेके दें। फिर उमर ने सेम मॉडल की, फिर उमर ने रेड कलर की लाहौर के लिए भी ऐसी गाड़ी ख़रीदी। ये वो रेड कलर की सिविक गाड़ी है जिसमें उमर शरीफ की फैमिली, उनके बेटे और उनकी बीवी आए और मेरे घर से ज़बरदस्ती उमर को लेके गए। ये है वो गाड़ी जो 2021 में उमर और मैंने हमें लास्ट ये गाड़ी ख़रीदी। अच्छा, जैसे कि उमर का शौक़ ये था कि उमर मुझे चाहते थे कि वो मर्सिडीज़ गिफ्ट करें, और क्योंकि जब प्राडो जैसे सेल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उमर ने कहा कि तुम मैं 2016 में जब उमर अमेरिका गए थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जो है ना हम लोग गए अमरी भूरबन वगैरह, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे था कि नहीं मैं या तो प्राडो ही लूँगी
लेकिन उसके बाद जब मैंने फॉर्चुनर देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने जाके फॉर्चुनर ली और मुझे चूँकि नाम लिखवाने का बहुत शौक़ है, गाड़ी उन्होंने मेरे लिए ली थी लेकिन मैं हमेशा उमर शरीफ का नाम लिखती हूँ, तो ये नेम प्लेट बनाई हुई है, यहाँ अलाउ तो नहीं है बट मुझे बहुत पसंद है, तो हमने उनकी नेम प्लेट बनाई हुई है और जो हमारी गाड़ी में यहाँ रखी होती है हर वक्त। तो ये थी जो हमने उमर ने लास्ट गाड़ी ख़रीदी और इसमें उमर हम सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग फ्रेंच बीच जो अक्सर मैं वीडियो तस्वीरें शेयर करती रहती हूँ, हम इसी गाड़ी में बैठ के गए थे। और यही मेरे उमर के साथ मेरा आखिरी यादगार एक सफ़र था जो मैंने और उमर ने बहुत इन्जॉय किया था। आज मैंने आपको बताया कि उमर शरीफ के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ थी, किस किस सन में उन्होंने कौन सी गाड़ी ख़रीदी। हाँ, एक रह गई, 93 में उन्होंने एक स्पोर्ट्स कार भी ली थी, वो भी उनको बहुत पसंद थी। और उसके अलावा एट अ टाइम उनके पास 7 गाड़ियाँ थी, जिसमें से एक गाड़ी उन्होंने अपनी सेकेंड मिसेस को ही दे दी थी, खुला हुई थी तो कोर्ट ने कहा था आप वापस ले सकते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं ये इन्हीं की गाड़ी है, इनको ही दे दें। उसके अलावा 3 गाड़ियाँ उमर की लाहौर में होती थी और 3 गाड़ियाँ उमर की कराची में, तो इस तरह उमर के पास 6 गाड़ियाँ थी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए और बहुत सारे लाइक कीजिए जल्दी जल्दी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।